उई तू क्या कर रहा है? तेरे को नींद नहीं आई है? हैं? नींद नहीं आई है? Oh my god, आयुष्ची की नींद नहीं आई है? बोचाई नींद नहीं आई है? बोचाई नींद नहीं आई है? Good night, good night. गुड नाइट। ये आलू बैंगन की सब्जी बनने के लिए मैंने अदरक किया, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि रात तक ना ये आलू बैंगन की सब्जी खत्म कर दें, मैंने सुबह तक बचानी है। देखते हैं सुबह तक बचती है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी अब सब्जी बचने लग गई है। 2 मिनट में बन जानी। लीजिए आलू बैंगन की सब्जी मेरी तैयार है, बस अब इसके ऊपर मैंने धनिया डालना है और ये मेरे को अब रात तक फिनिश करनी है और सुबह मैंने थोड़ी सी भी बचा के नहीं रखनी है। इनको देखना मैं कैसे दबा दबा के देनी है, खाली करूँगी रात तक से, क्योंकि तो रोज बचने लग जाती है सब्जी मेरी। रात के बच रहे हैं 2 और मुझे तो जल्दी नींद आती नहीं है, क्योंकि मैं तो सुबह के टाइम पे मैंने सोना ही 5-6 बजे होता है, तो मैंने कहा अपना मैं कॉलेज का थोड़ा सा काम कर लूँ लैपटॉप पे, तो मुझे लगाई भूख, तो मैं अभी धीरे 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 किचन में से जा के लेके आई हूँ अपने लिए अनियन रिंग्स और साथ में ओरियो। मेरे को तो रात को देखो यही चीज़ें पसंद है, स्पाइसी वाले। सुबह उठती हूँ ना तो कॉफ़ी तो मैंने पी ली है, तो अभी मैगी के पापा ने चाय बनानी है, तो मैं पहले ना आटा गूंथती हूँ। आटा मैं इसी में गूंथती हूँ, इसमें बढ़िया रहता है। अगर परात में गूंथूँ ना तो मेरे जल्दी नहीं गूंथो, तो फिर आटा बाहर ना छलकता रहता है, तो इसमें जल्दी जल्दी बस करके, और ज़्यादा आटा नहीं गूंथती, बस एक दिन का, जैसे सुबह रात तक ख़त्म हो जाना, अगर बच जाना तो एक आधा पेड़ा बच जाना, एक आधा या 2 पेड़े बच गए तो बच गए। देखना इसमें मेरे को कितना इजी रहता है। अभी मैंने ना कैमरा भी लगाया हुआ है, क्योंकि तो जैसे मर्जी आए इधर उधर छलके या जल्दी जल्दी। बस 5 मिनट में मैंने आटा मल देना। मज़ेदार बात बताती हूँ इजी में इसमें क्या करती हूँ। पहली बात तो ये है मैं परात में नहीं गूंथती, इसमें गूंथती हूँ, बहुत बढ़िया मेरा आटा गूंथने के लिए। और क्योंकि आटा बाहर नहीं निकलता, अभी तो मैंने कैमरा लगाया हुआ है ना, तो कैमरे की तरफ आगे कैमरा रखा हुआ है, तो थोड़ी सी मेरे को मुश्किल आ रही है, नहीं तो मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ। और मज़ेदार बात बताऊँ, ये देखो आटा मैंने इकट्ठा कर लिया ना, इकट्ठा करके ना ये लिया, थोड़ा सा पानी का हार लगा के आटे को मैंने ऐसे कर देना, कोई नहीं मैंने इसे ऐसे ऐसे करना, कुछ नहीं करना, इसको ऐसे मैंने बस छोड़ देना 5-10 मिनट के लिए, इसको ऐसे छोड़ देना, कोई और काम कर लेना, देखना आटा कैसे गूंथ हो जाएगा, देख लेना। लो जी 10 हो गए मिनट, तो अब इस आटे को कर लेना आगे, देख तो ना कैमरा ना सेट नहीं होता। बस इसको एक बार ऐसे, ये आगे कैमरा रखा हुआ है ना,
तो मैं सही तरह कर नहीं पा रही। लो जी आटा मेरा तैयार है, बस और कुछ नहीं करना। एक बारी बस ऐसे ऐसे करके, मेरे आगे ना ये स्टैंड पड़ा हुआ है, कैमरा पड़ा हुआ है, तो मैं आगे की तरफ नहीं हो सकती, तो बस एक बार करके इसको डिब्बे में डाल लो। हो गया आटा गूंथ, हो गया हमारा, इजी है ना। आटा गूंथ हो गया, तो आज मैंने बनाने हैं क्या कहते हैं मूली के पराठे। तो उससे पहले मैगी के पापा बनाएंगे चाय, तो मैं बैठ के आराम से चाय पीऊंगी, फिर उसके बाद मूली वाला काम करेंगे। लीजिए कॉफ़ी वगैरह भी सुबह की पी चुकी हूँ और चाय वगैरह भी पी ली है, और अब मैं बनाने लगी हूँ परांठे मूली के, दही के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो दही मैं रात को ही हमेशा जमा के रख लेती हूँ, मैं मेरे को ये आदत है कि फ्रेश दही ही खाना है, और ये नहीं कि दूसरे दिन का अगर बच जाए ना तो वो टेस्ट नहीं अच्छा आता। तो दही रात को ही मैंने जमा के रख लिया था, तो दही के साथ आज चलेंगे मूली के परांठे। तो मूली को मैंने करना है, पहले छील लो, छील के कद्दूकस कर लेना है, और इसमें मिर्ची नमक वगैरह डाल के आज पकेंगे मूली के परांठे। इसके साथ अच्छी तरह छील हो जाता है। एक मेरा दूसरा पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, ये तो ऐसे चलाना पड़ता है ना मेरे को, वो दूसरा ऐसे चलाते, वो पता नहीं मेरे को नजर नहीं आ रहा, वो स्पून वगैरह में कहीं इधर उधर हो गया। इसमें फिर भी मेरे को टाइम लग जाता है, उसमें मेरे को टाइम नहीं लगता, उसमें ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी जल्दी। ये वाला मैगी के हाथ पे चढ़ा हुआ है, तेरी एक्सरसाइज करनी भी बहुत जरूरी है। ओह माय गॉड, ये मैं करवा रही हूँ चीकू को एक्सरसाइज, ये तो डांस कर रहा है। इसकी मम्मी जब डांस करती है तो इसको भी डांस करना है। देखो वन टू थ्री फोर, देख तेरे को मैं आज वन टू सिखाती हूँ, तेरे को सिर्फ थ्री तक वन टू आता है ना, है ना, बहुत गंदा बच्चा है। लोगों के बच्चों को हंड्रेड तक आते हैं ना, देख तेरे को सिखाती हूँ आज से, मैं पहले तेरे को मैं सिर्फ टेन पे सिखाऊंगी, टेन तक, ठीक है, टेन तक, टेन तक सीखेगा ना, पढ़ेगा ना मम्मा जी, पढ़ेगा ना, ठीक है। देख वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ईजी है ना। पप्पी दो फिर मम्मा को, नोजी के साथ नोजी लगाओ, नोजी के साथ नोजी, जाओ मम्मा ही बोलो, मम्मा गुच्छ हो गई, मैं गुच्छ नोजी है, नोजी लगा जा, नोजी 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 के साथ नोजी लगाओ, नोजी लगाओ, ओह माय गॉड, नोजी के साथ नोजी लगाओ, मैं गुच्छ बाजू 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 नोजी के साथ नोजी लगाओ, नोजी के साथ नोजी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आई 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 मेरा बच्चा, गुड गुड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज का ब्रेकफास्ट मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करने लगी हूँ। मैं बनाने लगी हूँ 2 मिनट्स वाला मग केक, तो आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ, देखना आप भी बना के देखना कि कैसा बनता है। तो ये मैंने मग ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी, और ये मैंने ले लिए हैं, शोर है, हाँ
ये मैंने ले लिया मेजरिंग स्पून। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ऑयल, एक टेबलस्पून ऑयल, दैट्स इट। अब मैं इसमें डालूंगी गलती कर ली मैंने पहले मेजरिंग स्पून से गीला वाली चीजें डाल दी। इसमें डालूंगी मैं चीनी, इतने बहुत है, एक बड़ा चम्मच चीनी का। मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो मैं निकाल दूं, बेकिंग सोडा में डालूंगी वेट इतना सा। बेकिंग पाउडर में डालूंगी इतना। इसे मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी अंडा, ये क्या अंडा, ये फ्री रेंज एग्स हैं। इसे मिक्स कर दूंगी। अब इसमें जाएगी एक और चीज, वो है कहाँ गई, वनीला एसेंस, ये इतना डाल दिया मैंने। इसे मिक्स कर देना है अच्छे से। अब मैं इसमें डालूंगी ये खुलजा, थोड़े से चॉको चिप्स, और मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच आटा या मैदा, आप कुछ भी डाल सकते हो। और इसमें मैं डालूंगी ये मेरा कोको पाउडर, सारा उल्ट हो चुका है। ये मेरा कोको पाउडर, एक चम्मच मैं इसमें कोको पाउडर डालूंगी। इसे करेंगे मिक्स। थोड़ा सा इसमें डालेंगे दूध, बस मिक्स मिक्स मिक्स। अब एक और इसमें चीज डालेगी, मैं दिखाती हूँ।
अब इसमें मैं डालूंगी मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, ये है रोल्ड ओट्स, और साथ में मैंने वॉलनट ले लिए, इसे मैंने छोटा सा चॉप करके थोड़ा सा रोस्ट कर लिया, और अब मैं इसमें डाल दूंगी। बस, और इसमें कुछ नहीं जाएगा, बस सही चीज़ें अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स, इसकी ऐसी सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है सारा बैटर, अच्छे से मिक्स कर लिया, और मैं इसे माइक्रोवेव में रखूँगी। मेरा तो कन्वेक्शन है तो उसमें मैं 2 मिनट्स के लिए इसे रखूँगी और आपको बेक करके दिखाती हूँ। तो मेरा मग केक रेडी हो गया, देखो कितना सुपर स्पॉन्जी बना है, मैं आपको क्रैक करके दिखाती हूँ, बिल्कुल क्लीन और पूरा स्पॉन्जी स्पॉन्जी, बेस्ट। मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसा बना। आप चाहो तो इसके ऊपर हर्षी सिरप भी डाल सकते हो, चॉकलेट वाला, कोई भी आपका जो भी आपको फ्लेवर पसंद है। बेस्ट, फ्रेश मफिन घर में कोई बुरी बात है? ऐसे 2 मिनट में बन जाता है, बाहर से जाके खाना वो भी चलो कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी बाहर से खाती हूँ, बट अगर आपको घर में खाना है तो बेस्ट रेसिपी है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वैसे तो दोपहर का टाइम हो गया है, तो मेरे लिए तो गुड मॉर्निंग ही होती है, जब फ्रेश हो गए तो अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी तो गुड मॉर्निंग। तो उठ चुकी हूँ, शावर ले आई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, मज़ेदार खुशबू लगा ली है और नाश्ता वगैरह कर चुकी हूँ। क्या खाया था आज? क्या खा के टे? हाँ, क्या खाया के टे? कौन से परौंठे खा के टे? हाँ, मूली के परौंठे खा चुकी हूँ। मैं ऐसे करती हूँ, जब अब सुबह सुबह उठती हूँ तो थोड़ी थोड़ी जहाँ जहाँ से वीडियो बननी होती है थोड़ी थोड़ी सी बीच में बना लेती हूँ, मगर जब शुरुआत करती हूँ तो शावर लेके, मेकअप करके, फ्रेश होके, अच्छी अच्छी बनके फिर बैठती हूँ सामने। अच्छा लगता है मेरे को फ्रेश होके बैठना। तो क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मेरा बेटा मेरे साथ बैठा हुआ है, यहाँ मम्मी है वहाँ उसका बेटा है, यहाँ बेटा है वहाँ उसकी माँ है, मैं माँ हूँ इसकी। दिखाती हूँ कैसे बैठा हुआ है। तो चलिए फिर आज क्या बनाते हैं क्या करते हैं। तो मैगी की जो छुट्टियाँ हैं वो भी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि थोड़ी सी छुट्टियाँ थी, कितनी 10 डेज़ की थी, बस 10 डेज़ की इसकी छुट्टियाँ जो वो ख़त्म होने वाली हैं। तो मेरे को इसकी आदत पड़ गई है, कभी इसने कुछ मेरे को बना के खिलाना, कभी कुछ बना के खिलाना। तो चाय भी अब इसी ने बनानी है, दिन में कितनी बार चाय पी लेती हूँ मैं, 4 बार चाय पी लेती हूँ, 4 बार के 4 से ज़्यादा बार, क्योंकि सुबह जो उठना मॉर्निंग टाइम पे मेरे को कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए, वो तो मेरी सिंपल कॉफ़ी होती है, उसके साथ में कुछ नहीं लेती, वो तो मैं लेनी लेनी है, मेरे को बहुत साल की पहले की आदत पड़ गई हुई है, काफ़ी साल हो गए हैं, रहा नहीं जाता मेरे से। तो मैगी के पापा नहीं लेते सुबह कॉफ़ी, वो कभी कभी ले लेते हैं मगर ज़्यादातर वो नहीं लेते, मैं ही लेती हूँ। बीच में से निकल के भाग रहा था मेरा बच्चा, कहाँ जा रहा है? गुड मॉर्निंग बोलो सबको, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, छ श्री अकाल। जब इसके पापा पाठ करते हैं ना जब जी साहब का, तो ये पास में बैठा होता है, जब मैगी पाठ करती है जब जी साहब का, वो भी जब जी साहब का पाठ करती है तब भी ये पास में बैठा होता है। चल चल निकल जा भाग जा। तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, तो अब ये कुछ ना कुछ बना के खिलाती रहती है,
रास्ते जब ये कॉलेज अब चली जाएगी फिर 4 बजे आया करेगी, फिर मेरे को खुद बना के खाना पड़ा करेगा। अब चाय चाहिए, दिन में 4-5 बार चाय पी हो जाती है। सुबह कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके बाद मैगी के पापा चाय बनाते हैं वो चाय पी लेती हूँ, उसके साथ कुछ मैं खा लेती हूँ, क्रोइसॉन वगैरह या कुछ भी खाना होता वो उसके साथ, कोई भुजिया वगैरह या बिस्किट वगैरह खाने वो खा लेने। 2 बार हो गई, हाँ एक उस तब चाय हो गई ना, फिर उसके बाद जब नाश्ता करना है चाहे दही के साथ भी परोंठे लूँ या चाय के साथ परोंठे खाने, है ना, तो अगर चाय के साथ नहीं भी परोंठे खाने तो दही के साथ खाए, आज मूली वाली परोंठी खाई दही के साथ, मगर उसके थोड़ी देर बाद, उसी टाइम नहीं थोड़ी देर बाद रुक के चाय पीनी। फिर मेरी हमारी शाम होती है 8-9 बजे की, तब चाय पीनी, साथ लेना कोई स्नैक्स वगैरह लेना। रात को सोने के टाइम मेरे को फिर आदत है चाय पीने की, जब मैगी के पापा आते हैं तो हमारी, मेरी तो रात वैसे ही लेट होती है, मगर मैगी की रात ज़्यादा लेट नहीं होती, वे छुट्टियों में लेट चल रही है, नहीं तो मैगी तो 11-12 बजे तक सो जाती है ना, ये 11-12 बजे तक सो जाती है क्योंकि इसको सुबह 9 बजे जाना होता है, और मेरी तो होती है 3-4-5। ये कई बार बोलती होती है जब रात में सो रही होती है, मम्मी तो सारी रात ही घूमती रहती है घर में, चम 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 करती है तो आवाज भी पता नहीं मम्मी कैसे करती, चम कैसे करती है बोलती है जोर जोर से जैसे सच में ना जगाना ही होता है दूसरे को। मेरी आदत ये है कि मैंने तो लेट सोना है ना, मैं थोड़ा सा खड़का मेरे से तो हो जाता है, मगर मैं अपने खड़के पे ना काबू नहीं कर पाती, किचन में भी जा इधर उधर, मेरे नाले एक और बात है मेरी खाने की भी कोई बात नहीं है, ये कई बार ने इसके पापा भी सो रहे होते ये भी सो रही होती है मैं सैंडविच बना के खा रही होती हूँ, ऊपर से पायलें डाली होती है जो वैसे भी बंदे ने सोना ना वो वैसे ही नहीं सो पाता। जब मैं सो रही होती ना, मैगी की आदत है, मैगी के पापा की भी आदत है, मैं सो रही होती ना कुछ उन्होंने करना है या कुछ इधर उधर जाना है या बाहर चीकू ने एक, ये इसकी मैगी और मैगी के पापा की बात है, चीकू की भी बात है कि चीकू की जो मम्मी सो रही होती है सुबह उसको पता कितने बजे उठना, मगर उसने अपने पापा के साथ जो वॉक पे जाना है ना खड़का नहीं करता। अब ऐसे ही इसको लीश डाल के बाहर लेके जाए ना कि चलो बाहर घूमने चलें, दिख रहा है मेरी तरफ नीचे बैठा, तो इसलिए खड़खड़ करनी है, खड़खड़ सारा घर सिर पे उठा लेना, मगर जब इसको पता है ना कि मम्मी सुबह लेट उठती है, मैं सबसे ज़्यादा लेट उठती हूँ ये छुट्टियों में, अब ये लेट उठती है तो ये कई बार मैगी भी चली जाती है सुबह पापा के साथ वॉक पे, अगर मान लो जल्दी उठ जाए तो, नहीं तो ये वॉक पे जाता है सुबह पापा के साथ तो खड़का नहीं करेगा, मम्मी की जाग नहीं खुलनी चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरी आदत है ये सुबह अगर ये जगाता है अपने पापा को सुबह ऐसे जगाएगा, सुबह उठ के ना जिधर इसके पापा सोते हैं, ये एक बात की बात है 3 साल का हो गया, 3 साल से ये ऐसे करता है, अपने पापा की साइड पर जाएगा ऐसे करेगा, खड़का नहीं करेगा उठ जा। अगर मेरे को थोड़ा सा भी पता लग गया तो मेरी आदत ये है, मैंने इसको एक बार ही कहना चीकू सो जा जाके और दूसरों को भी सोने दे, ये चले जाएगा सोने, मगर सोने के ना 5 मिनट बाद, इतना चलाक है, 5 मिनट के बाद वापस आ जाएगा, वापस जाके तो फिर पापा को मम्मी सो गई है खड़का नहीं करना, चल उठे चले वॉक पे चले, बस ये मेरे को नहीं पता चलने देता, मेरे को पता लग जाए फिर मैं बोलती हूँ कि मेरे को नींद खराब होती है, तो ये दोनों नहीं खड़का करते, दोनों वॉक वगैरह भी जाते हैं। अच्छा ये भी नहीं खड़का करती, जब मैं सो रही होती ये किचन में पता नहीं कुछ भी कुछ ना कुछ बना के खाती रहती है, जब खाती है ना मान लो मैं सो रही होती हूँ ये खड़का नहीं करती, बिल्कुल नहीं खड़का करती, तो मेरे से खड़का हो जाता, मेरे से काबू नहीं होता, मैंने वैसे 3-3 तो नॉर्मल है, 3 तो हो ही नहीं सकता, 3 बजे के बाद ही सोते हैं, 3-4-5 ये सो गए होते। कई बार मेरे को परसों की 2-3 दिन पहले की बात है, जब मेरे को अगर सोने लगती हूँ ना मेरे को उसी टाइम कुछ खाने को मन कर जाता है, तो मैं कुछ ना कुछ बना के खा लेती हूँ, मैं वीडियो में नहीं डालती वो, कभी ब्रेड लेना, आलू तो मेरे पड़े होते हैं फ्रिज में, उसको बीच में लगाना सैंडविच बना के खा लेना, क्योंकि मेरे को ये होता है कि अगर मैं जब मैंने सुबह उठना है, सुबह उठ के मेरा फिर नाश्ता जाके बड़ी दूर होता है,
लेट उठना होता है ना, तो मन पे नहीं मैं काबू करती। जब मेरे को भूख लगी मैं खा लेती, भूख ही नहीं रहती। जैसे भी चटोरी चटपटी चीज़ें खाने का मेरे को शौक रहता है। मेरे साथ जो होता है उसको भी मज़ा आता खाने में, मगर मैं तब ना जब अगर रात को मेरा कुछ खाने का मन करता है मैं फिर भी मैगी के रूम में झाँक लेती हूँ। अब जबकि इसकी छुट्टियाँ चल रही है कि ये जाग रही है, अगर ये जाग रही है फ़ोन पे लगी हुई है तो मैं इससे पूछूँ तूने तो नहीं कुछ खाना, तू कंपनी कर ले मेरे लिए, कंपनी करके मज़ा आता है। मगर मैगी के पापा को नहीं जगाते क्योंकि उन्होंने सुबह काम पे जाना होता है। अकेले कुछ खाने पीने का मज़ा थोड़ा होता है, जब आपके साथ कोई हो ना खाने के लिए तब मज़ा आता है। इकट्ठे खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। आप क्या चीज़ बना के आप कहोगे क्या है, कुछ नहीं मजा आना। जब आपको पता ना कि आपके साथ दूसरा है, आप सलाह करके करोगे अरे ये चीज ऐसे बनाए। इकट्ठे खाने में देखना नोटिस करना ज्यादा मजा आता है ना। आप दो जने भी अगर होंगे ना आप डिस्कस करोगे बीच में शेजवान सॉस डाले कि ये तड़के वाली बनाए कि कैसी बनाए, चल ऐसे करते हैं ऐसी वाली बना लेते हैं, चल साथ में कोक भी ले लेते हैं ज्यादा मजा आएगा, कोक नहीं लेते चल इसके साथ ना वो बाजा ब्लास्ट ले लेते हैं वो ज्यादा टेस्टी लगेगी। मजा आता है इकट्ठे खाने में मजा आता है। इकट्ठे खाने में जब मान लो हम तो घर में फिर भी तीन जने, चौथा हमारा चीकू है, चीकू तो ऐसी वैसी चीजें कम ही खाता है ना, तो इसने तो सिर्फ ज्यादातर अपनी चीजें खानी होती है। वैसे मान लो इकट्ठे दो चार जने और ला लो ना, जब इकट्ठी चीजें रखते हैं ना तो उतना उसको डिवाइड करके मिलता है, मजा कुछ और होता है। तो वो चीज जब फिनिश हो जाती है ना तो थोड़ी थोड़ी मिली होती उसका मजा उससे भी ज्यादा होता है। तो खाने पे तो मैं अपने आप टोक करती नहीं है। अब मैगी जाएगी है ना, तो मैगी मेरे लिए चाय बना के लेके आएगी, क्योंकि मन में पता नहीं है थोड़ी सी होगी हाई चाय। मम्मी का चाय पी के करना क्या, एक दिन की क्या बात है कि इसको पता था क्या खाया था कि मम्मी ने चाय पीनी है ना, चाय के लिए बोलना है। कहते इसका सबसे ज्यादा ईजी रहता है कॉफी का कि कॉफी मेकर में कॉफी बनाई दे दी। मैं कॉफी मेकर मैंने आपको दिखाया हुआ ना, पहले किचन में रखा हुआ था, फिर बाद में एक रोच देखा वहां पे तो मैं डर गई कि किचन में कहीं रोच ना आ जाए। कॉफी मेकर को चेक किया तो लाके फिर इधर पीछे टेबल के पर रख दिया, वहां पे बनती है कॉफी। तो और इसे क्या करना कि मम्मी ने ना चाय मांगनी है, अभी पहले बोल दूं मम्मी कॉफी पिए, वो इसलिए कि जल्दी जल्दी कॉफी बन जाएगी आगे रख दूंगी। मगर मैं भी बड़ी तेज हूँ, मैंने कॉफी पी के ना आधा घंटा भी नहीं होने दिया, मैंने कहा चाय नहीं पीनी चल चाय बनाते हैं, तो चाय बना के लेके आ। अब ये सुन रही अब जो उठेगी चाय बनाने के लिए, उठेगी उठ तो जाएगी। ओ कितने मिनट की वीडियो बन गई, बंद करूं। तो मैं आज बनाने लगी हूँ राजमा मैंने रात को भी बोल के रखे। तो राजमा पटाऊंगी और राजमा के साथ खाएंगी, थोड़े से मैंने राइस बनाने हैं राजमा के साथ, ज़्यादा नहीं बनाने हैं। और साथ में बनानी है, क्या बनानी है, पूड़ी। राजमा के साथ पूड़ी खा के देखना जो मज़ा आता है ना, हाँ 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 हाँ। थोड़े बनाऊंगी चावल, थोड़े बनाऊंगी, तो राजमा के साथ पूड़ी खाने को मन कर रहा है। वैसे भी राजमा जब मैं बनाती हूँ पूड़ी साथ में ज़रूर बनाती हूँ। तो पहले मैं राजमा बॉयल करने रखूँगी और मसाला तैयार करूँगी, और ज़्यादा मैं अभी वीडियो और बनाऊँगी नहीं क्योंकि मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जानी है। पहले बातें करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। तड़का तैयार करूँ, ये पड़ा हुआ मेरा कॉफ़ी मेकर जिसमें कॉफ़ी बनती है, और पहले किचन में रखा होता था ना, आपको दिखाया था पहले किचन में रखा होता था, अब यहाँ रखा हुआ है। रोच की वजह से कि मेरे को एक आधा रोच दिखाई दिया था तो मेरे को डर पड़ गया था कि कहीं रोच तो नहीं आ रहे। और यही रखा है एयर फ्रायर जो बिना ऑयल लगाए इसमें बना लेती है मैगी, कुछ ना कुछ ज़्यादा बनाती रहती है इसमें। मैं भी बनाती हूँ मगर मैं कम यूज़ करती हूँ, वो ज़्यादा अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें बना के खाती है। ये मेरे पड़े हुए कैप्सूल, ये कैप्सूल वो है जो मैं इसमें डालती हूँ कॉफ़ी मेकर में, ऐसे एक कैप्सूल निकाला, जो भी और भी पड़े हुए कैप्सूल काफ़ी डिब्बा भरा पड़ा हुआ है, इसमें मेरा कैप्सूल नहीं है, मेरा कैप्सूल वो पीछे वाले में पड़ा हुआ है। ये मैगी वाले हैं जो मैगी लाइक करती है,
हाँ इसमें पता क्या करते हैं, मैं कोई भी कैप्सूल निकाल के दिखाती हूँ। ये कैप्सूल है, इसको ऐसे खोला, ये बना हुआ कैप्सूल डालने के लिए, इसमें रखा और इसको बंद कर देना। बस मैं अभी निकाल लूँ क्योंकि अभी कॉफ़ी नहीं पीनी, तो इधर से ऑन कर देना जितना आपको साइज़ चाहिए, छोटा या उससे बड़ा या उससे बड़ा। मैं कॉफ़ी ज़्यादा पीती, मैं बड़ा साइज़ यूज़ करती हूँ। अभी पीनी नहीं है, मैगी बनाएगी ना, मैगी दिखाएगी। तो मगर मैगी अभी पहले चाय बनाएगी पहले मैंने चाय पीनी है, नहीं तो इसने मेरे को कॉफ़ी पे सार देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और कॉफ़ी मेकर की खास बात बतानी थी, मैं भूल गई। यहाँ से पानी डलता है, मतलब यहाँ पे पानी डाल दो ऐसे करके, इसको थोड़ा सा आगे करना और इसके बीच में जितना पानी डालना इसमें पानी डलता है, इसी में पानी डलता है तभी तो कॉफ़ी बनती है। अब पानी थोड़ा सा रह गया है, अपने आप में की और डाल इसमें पानी, रोज ही भरना पड़ता है क्योंकि रोज ही कॉफ़ी पी होती है। तो बस उसमें पानी होता है इसलिए फिर यहाँ से, यहाँ कप रखना होता है, उधर से ऑन कर देना होता है, इधर कैप्सूल डाल लेना होता है, इधर से ऑन कर देना होता है, यहाँ कप रखना होता है। छोटा छोटे वाला मतलब कप पीना है तो छोटा कप रख दो, इससे बड़े वाला कप पीना तो बड़ा रख दो, इससे बड़े वाला पीना तो वो बड़ा रख दो। तो झट से कॉफ़ी तैयार होती है सेकेंडों में, सेकेंड में ईजी है तभी मैगी कॉफ़ी के लिए जल्दी तैयार होती है। कॉफी बनानी बहुत ईजी है। एक मेन कप की बात ये होती है कि अगर आपने ये छोटा कप रख दिया, एक कप की बात ये होती है ये वाले कप की, अगर आपने ये छोटे वाला कप यहाँ रख दिया तो चला दिया आपने यहाँ से बड़े वाले कप, तो यहाँ सारा ही गीला हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा कप है ना, तो बड़ा कप ही रखना पड़ेगा यहाँ नीचे, समझ आ गई ना, क्योंकि ये पीछे पानी है ना, उतना पानी आएगा फिर बड़े कप का, ज़्यादा पानी आएगा, इसलिए छोटा कप रख के कहीं बड़े की नहीं चलानी। बस और बहुत बढ़िया है। समय हुआ है 7:30, चलो पिए चाय एक साथ। तो इधर मेरी चाय बन रही है, अच्छे से बॉईल आ रहा है चाय को, चाय तैयार है। तो अब मैं इसे इसमें डाल दूंगी और लेके चलते हैं मम्मी के पास। फिर मैगी बना के चाय ले आई है, तो भगवान चीनी टू थ्री फोर चम्मच ज्यादा चीनी लेती हूँ मैं, ये तो छोटे हैं। और बस 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 मैं तो थोड़ी लेती हूँ बस, और चाय भी डाल ही दे। मैंने तो इतनी पीनी होती है, मजा लेना होता बस चाय का। चलिए फिर आइए आप भी चाय का मजा लीजिए, आइए फिर लीजिए चाय पीजिए। मैं तो चाय पी के लगी सोने, फ्रॉक डाली थी थोड़ी सी चुभ रही थी, वो मैंने चेंज कर ली, और अभी मैंने राजमा बनाने हैं तो अभी मैं पहले अपनी नींद पूरी करूंगी, मैं फिर बनाएंगे राजमा। थैंक यू बेटा चाय के लिए, चाय पी के मैंने सो जाना आराम से, तो जब उठ जाना
फिर चाय पी लेंगे। हमारे घर में चाय बहुत बनती है, चाय और कॉफी दोनों बहुत बनती हैं। अगर अभी मैगी के पापा आ जाए ना घर के अंदर, चाय खाना तो चाय पीने बुरी बात भी नहीं है। खाना खा लिया जाते समय चाय, सुबह चाय। चाय चाय चलती है, चाय टेस्टी बनाई है मैगी ने। थैंक यू, अब चाय पीऊँगी। बिल्कुल नींद चढ़ी हुई है तो बस अब सो जाना है, फिर बाद में देखेंगे उठने के बाद क्या खाना है। चीकू कहाँ है? मेरा मेरे साथ बैठा है। चीकू मैकी के साथ बैठा हुआ है, अपना बिस्तर पे नहीं बैठता, उधर बैठा है। अपने बिस्तर पे तब बैठता है जब मैं इधर उधर काम कर रही हूँ, तो जब इधर उधर होती हूँ मैगी अपने रूम में होती है तब इसने अपने बिस्तर पे बैठ जाना है। सामने कोई टीवी वगैरह चलता है तो बस देख ही जाना, कोई ना कोई मूवी वगैरह लगी होती, कुछ ना कुछ लगा ही लेते हैं। टीवी तो सारा दिन ऑलमोस्ट चलते रहता, तो अब पता ना मैं भी सोफे पर हूँ, मैगी भी सोफे पर है, ये भी बाबू जी भी यहीं पर बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं दिखाती हूँ। उई, तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? नीने आई है तेरे को? तेरे को नीने आई है? ओ माय गॉड, नीने आई है। राजमा इधर बनने के लिए रखती हैं और इधर मैंने राइस भिगो के रखे हैं, तो 20 मिनट के बाद ही इसको बनाऊंगी ना। तो आज के व्लॉग का हम यही एंड करते हैं। आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारे व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।